अभी हुआ साथियों अचानक निधन। 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर साथियों, बीजेपी के नेता के निधन से बुरी तरह से शोक की लहर छा गई है। अभी अभी हुए अचानक निधन से बुरी तरह से मातम पसर गया है। जी हां दोस्तों, सभी रवाना हुए हैं। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथियों आपको बता दें कि सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत हो गई है। इस तरह से दो कारों की आमने सामने इतनी भयंकर भीषण टक्कर हुई है कि साथियों मौके पर ही बीजेपी नेता की मौत हो गई। खबर इस वक्त की भोपाल से, गांधीनगर थाना क्षेत्र के आसाराम तिराहे पर रविवार दोपहर क्रेटा और कार आर्टिगा की कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बीजेपी नेता की जान चली गई। उनका सिर कार के डैशबोर्ड में लगा था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय पत्नी को लेने एयरपोर्ट जा रहे थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं थाना प्रभारी प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि विवेकानंद कॉलोनी अयोध्या नगर निवासी राजीव कपूर की इंद्रीपुर में कपूर हार्डवेयर नाम से दुकान में भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से राजनीति कर रहे थे। रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे पत्नी को लेने अयोध्या नगर से एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी क्रेटा कार से निकले थे। कार में अकेले थे। आसाराम तिराहे पर पहुंचते ही सामने से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने उनको कार में टक्कर मार दी। जी हां जोरदार टकराई, जिससे हादसे में सिर कार के डैशबोर्ड पर टकराने से राजीव कपूर के सिर में गंभीर चोट आई थी। जहां मौजूद लोग उन्हें कार से निकाल कर नज़दीकी जी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया।